देखिए बात एक समय की, जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं। रास्ते में उनके अंधे माता पिता को प्यास लगती है और कहते हैं कि हे लाल, हमें जोरों की प्यास लगी है, आप कहीं से हमारे लिए पानी ले आए। तभी श्रवण कुमार अपनी कावर को वहीं उतार कर अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने के लिए जाते हैं। और इधर राजा दशरथ तालाब की देख करते हैं कि जब तक मेरी बहन और भांजा नहीं आ जाता, मैं इस तालाब का पानी किसी को नहीं पीने दूंगा। इधर श्रवण कुमार अनहोनी भी देखिए कैसी, श्रवण कुमार तालाब से पानी लेने आते हैं और राजा दशरथ को कल कल की ध्वनि सुनाई देती है। वह सोचते हैं कि कोई जानवर है और अनदेखे में श्रवण कुमार पर तीर चला देते, और क्या होता है कि पितृ भक्त श्रवण कुंवर ने कावर ली रचवाई और मात पिता को बिठा करके वो तीरत। और एक दिन संध्या समय था और पहुंचे वनी के बीच, प्यास लगी बेटे हमें बोले वचन। और देखिए आज हम देखे में श्रवण कुमार के सीने पर वो तीर लग जाता है और राजा दशरथ को किसी मनुष्य की ध्वनि सुनाई देती है। वह तुरंत श्रवण कुमार के पास आते हैं और आज देखिए श्रवण कुमार राजा दशरथ से क्या कहते हैं। हो मुझे जीने का शौकीन नहीं, हो गम है पानी पिलाने का। ओ अपनी दुनिया से जाने का, बस गम इस बात का है कि मैं अपने अन्य माता पिता को पानी नहीं पिलाया। और गम है पानी पिलाने का, ओ गम है पानी पिलाने का। राज श्रवण कुमार क्या कहते हैं, ओ गम है पानी पिलाने का, गम है पानी पिलाने का। Oh, 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 oh,
और क्या कहते हैं, ओ मेरा सरवन लाल नहीं आया और न जाने क्यों देर हो गई, और हो वादा करके लाल नहीं आया न जाने क्यों देर हो गई। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति।